हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ऐसा फेस मास्क जिसे आपको मेकअप लगाने से आधा घंटा पहले 15 से 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, उसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को वॉश करना है। ट्रस्ट करना, जो मेकअप 4 घंटे में आपका साथ छोड़ देता है, 4 घंटे में आपको केकी नजर आने लगता है, आप खुद इरिटेट हो जाते हैं, आप सोचते हैं मैंने मेकअप लगाया ही क्यों था, वो मेकअप 10 से 12 घंटे टस से मस नहीं होगा, आपका चेहरा काला नहीं पड़ेगा, आपका जो मेकअप है वो काला नहीं दिखाई देगा, आपका जो मेकअप है वो केकी नजर नहीं आएगा और आपके मेकअप पे जो एक ग्लो होना चाहिए वो 10 से 12 घंटे एज इट इज आपको नजर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है, कैसे हम इसे अप्लाई करना है। बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप नए हैं, इंटरेस्टेड है ऐसे वीडियोस में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ अगर आप चाहे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना। सो गाइज, इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन का आटा। बेसन में वो पावर होती है कि आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है, नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड कराता है। तो 1 चम्मच आपको बेसन लेना है, 1 चम्मच आपको लेना है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में वो पावर होती है कि ये एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करती है, आपके चेहरे पर जितना भी आपको एक्सेस ऑयल नजर आता है उसे खींच के बाहर निकाल लेती है। एक दिन में अगर आप एक बार 15 से 20 मिनट के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं तो पूरा दिन आपका चेहरे पर जो ऑयल होता है वो नहीं आता है और आपका चेहरा एकदम ग्लोई ग्लोई नजर आता है। और मॉनसून के मौसम में तो मुल्तानी मिट्टी सबसे बेस्ट होती है। ये दोनों आपको इंग्रेडिएंट लेने हैं, साथ में आपको लेना है दही। अगर आपकी स्किन को दही सूट नहीं होता है आप गुलाब जल ले सकते हैं। अगर आपके पास दही या गुलाब जल सूट नहीं होता है या फिर किसी वजह से आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर फ्रिज का एकदम ठंडा पानी यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना, मिक्स करके करीबन 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना ताकि ये आपस में मिलजुल जाए और 2 से 3 मिनट जब ये रेस्ट करेगी जो इसकी गुडनेस है वो अच्छे से एक दूसरे में मेलजोल कर लेगी। उसके बाद अप्लाई करना, जैसे मैंने बताया 15 से 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट इसे अप्लाई करना, हल्के हाथों से थोड़ा इसे रब करना जिससे अगर व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, कुछ भी आपकी स्किन पर प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाएगी, स्किन पर एक ब्राइटनेस आपको नजर आएगी। हल्का हल्का इसे 2 मिनट रब करना और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश करना। ठंडे पानी से जब आप इसे वॉश करेंगे आप खुद फील करेंगे आपकी स्किन पर मोस्ट ऑफ द देखा गया है यहाँ पर ऑयल होता है तो वो ऑयल आपको नहीं नजर आएगा, आपकी स्किन पर आपको एक टाइटनेस नजर आएगी, आपकी स्किन पर आपको एक इंस्टेंट ग्लो नजर आएगा। ये फेस मास्क आप जब भी मेकअप करें तभी उससे 15 से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले अपने चेहरे पर अप्लाई करो और उसके बाद आप अपना मेकअप करो। आपका मेकअप नहीं हटेगा ऐसा मैं गारंटीड बोल सकती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही ट्रिक फॉलो करती हूँ। अगर मुझे मॉनसून में या फिर गर्मी के मौसम में कहीं जाना होता है, मेकअप करना होता है और उससे जो मेरा मेकअप है एकदम स्टे करके रहता है, ऑयल नहीं आता है फेस पर, तो आप भी इस ट्रिक को फॉलो करो। तो आप अपना स्किन केयर करो उसके बाद अपना मेकअप करो, ट्रस्ट करना और सिर्फ एक बार इस रेमेडी को फॉलो करके देखना। जो मेकअप 4 घंटे में जैसे मैंने बताया आपका साथ छोड़ देता है, 10 घंटे आपका एकदम पक्के वाला दोस्त बन के आपके साथ रहेगा और आपकी जो स्किन है वो आपको ग्लोई नजर आएगी, आपके मेकअप पे क्रैक नहीं आएंगे, आपके मेकअप में केकीनेस नजर नहीं आएगी और आपका मेकअप इधर स्मूथ और सॉफ्ट नजर आएगा। तो इस रेमेडी को फॉलो करना। अगर ऐसी वीडियोस में आप इंटरेस्टेड है, आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन